हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियोस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यू गाइस ऑलरेडी नो डर्माको के 96 हाइड्रेटिंग सीरम से मैं कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट गाइस, बिकॉज ये मेरी ड्राई डिहाइड्रेट डल स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी गाइस, बिकॉज डर्माको ने ना मेरे स्किन केयर गेम को पूरी रेंज के साथ निकाला है। पहले सिर्फ मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती थी, डर्माको का स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग सीरम, बट अब से मैं डर्माको के स्नेल पेप्टाइज की पूरी रेंज यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट है गाइज ये स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग फेस वॉश, सेकंड है ये स्नेल पेप्टाइज 96 एंड्रॉय रिपेयर क्रीम। तो अब से गाइज मैं इन तीनों प्रोडक्ट का यूज करूंगी, जो कि मेरी स्किन में और भी इंप्रूवमेंट लेके आएगा, लाइक मेरी स्किन को और भी अच्छे से हाइड्रेटेड करेगा। मेरी जितनी भी ड्राई डिहाइड्रेट एंड डल स्किन होगी ना, उन पे अच्छे से वर्क करेगा। सो अगर आपकी भी ड्राई डिहाइड्रेट एंड डल स्किन है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी डर्माको के स्नेल पेप्टाइज की रेंज। आप देख सकते हो इसमें आपको फेस वॉश मिलेगा, सीरम मिलेगा एंड एक एंड्रॉयड क्रीम मिलेगी। ठीक है, तो अपने स्किन केयर रूटीन में जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज करूंगी ऑब्वियसली वो एक फेस वॉश ही होगा, जो कि है डर्माको का स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग फेस वॉश। एंड इस फेस वॉश को मैं सबसे पहले यूज करूंगी। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो, आपको जेल बेस्ड फॉर्मूला के साथ में मिलेगा, ये देख सकते हो आप। एंड थोड़ी सी अमाउंट मैंने इसकी ली है एंड अपने फेस पे इसको लगाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वाटर लूंगी। सो ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा जेंटल है स्किन में एंड 100% सोप फ्री फेस वॉश है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजली। इसको यूज़ करने के बाद ना आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा जैसे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रहने वाली है। सो ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी ड्राई डिहाइड्रेट एंड डल स्किन है ना, तो एक बार आप इस फेस वॉश को यूज़ करना, क्योंकि ये ज़्यादातर फेस वॉश ना ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, बट इस फेस वॉश के साथ ऐसा नहीं है। ये फेस वॉश बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। ओके, तो दो मिनट तक मैंने यहाँ पर मसाज कर ली है अच्छे से, जितना भी डर्ट था सारा रिमूव हो जाएगा मेरे फेस पे से। और अब मैं अपने फेस को अच्छे से वाटर से क्लीन करके आती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वाटर से क्लीन कर लिया है। ओके गाइस, इस फेस वॉश ने मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन किया है एंड इसका जो फॉर्मूला है ना, वो एकदम नॉन ड्राइंग फार्मूला है। बिल्कुल भी मुझे ड्राई फील नहीं हो रहा है अपनी स्किन में कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। मोस्टली फेस वॉश क्या होते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, बट इस फेस वॉश के साथ ऐसा नहीं है। ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करा रहा है। मैंने इससे अभी अभी फेस वॉश किया तो मुझे ऐसी लग रही है मेरी स्किन एकदम ड्यूई प्लम्पी एंड एकदम रेडियंट ग्लो जिसे बोलते हैं ना, वो ऐसा मुझे फील हो रहा है अपनी स्किन को देखकर। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने क्लीन करने के साथ साथ ड्राइनेस को भी रिमूव कर दिया है और अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट कर दिया है। इस फेस वॉश ने मेरा दिल जीत लिया है, बिकॉज मुझे फेस वॉश इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट डर्माको का मुझे ये वाला स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब इसके बाद मैं इसी रेंज का सीरम भी यूज़ करूँगी, जो कि है स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग सीरम। ये देखिए, मैं इसको आधा ख़त्म भी कर चुकी हूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो इसका मैं थोड़ी सी अमाउंट लूंगी अपने हाथ पर एंड गाइस आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका टेक्सचर जो है इलास्टिक स्लाइमी है। आप देखो किस तरीके से इसका टेक्सचर है। तो इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और नेक पर भी लगाऊंगी एंड अच्छे से क्या करूँगी, मसाज कर लूँगी। जब तक ये मेरे स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाता ना, तब तक मैं अपनी स्किन में अच्छे से मसाज कर लूँगी। और ये सीरम गाइस बहुत ही जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ हैवी आपने फेस पर लगाया है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड कर देता है, डीपली हाइड्रेटेड कर देता है। एंड अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम भी है ना, तो उन सबको भी अच्छे से रिड्यूस कर देता है ये सीरम। मेरा तो फेवरेट है और इसको यूज़ करने के बाद ना सडनली स्किन ना बहुत ही अच्छे से प्लम्पी लगने लग जाती है, बाउंसी लगने लग जाती है, आप देख सकते हो। और स्किन को बहुत ही अच्छे से ये सीरम हाइड्रेटेड कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। आप देखो,
मेरी स्किन यहाँ पे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेट, डल स्किन है, पिगमेंटेशन है, तो मेक श्योर आप इस सीरम को ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है, बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन में। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सीरम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेक श्योर करो आप इस सीरम को ज़रूर ट्राई करना एंड अपना जो रिज़ल्ट होगा मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। ओके, तो आप देखो गाइस मेरी स्किन, तो इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद गाइस आपकी जो स्किन है ना सच में हेल्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जितनी भी ड्राई, डिहाइड्रेटेड, डल स्किन होती है ना, उन सब पे ये बहुत इससे वर्क करता है। अब ये इतने अच्छे क्यों है हमारी स्किन के लिए, ड्राई, डिहाइड्रेटेड, डल स्किन पे ये इतने अच्छे से वर्क पता है क्यों करता है? बिकॉज इसमें इन्ग्रीडियंट्स इतने अच्छे हैं। मैं आपको इनमें इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ कि इसमें इन्ग्रीडियंट्स क्या है। सो इन दोनों प्रोडक्ट में ना गाइस 96% प्योर स्नेल सिक्रेशन फिल्टर हुए हुए हैं, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते हैं, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देते हैं, हाइड्रेटेड कर देते हैं। तो काफी अच्छे से वर्क करता है ये ड्राई, डिहाइड्रेट एंड डल स्किन पर, ठीक है। सेकंड है गाइस इसमें पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जो कि कोलेजन प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। थर्ड है गाइस इसमें नायसमाइड, जो कि आपकी स्किन में ऑयल को कंट्रोल करता है एंड सेकेंडली आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, फेड आउट करता है एंड आपकी स्किन को इवन टोन करता है। सो तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं गाइस इसमें जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इनमें। सो अब इस रेंज का जो लास्ट प्रोडक्ट है गाइस वो है स्नेल पेप्टाइज 96 अंड्राई रिपेयर क्रीम। इसको क्या करती हूँ मैं, थोड़ी सी पी साइज लेती हूँ अपने फिंगर पे, कुछ इतनी अमाउंट में इसकी लेती हूँ, ठीक है। एंड अपने जो अंडर आई वाला एरिया है ना, इसको इस तरीके से लगाती हूँ डैब डैब मोशन में एंड इस तरीके से मसाज करती हूँ। एंड ये बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देता है अंडर आई को एंड आपके अंडर आई में जितनी भी पफिनेस होगी ना, उस सबको रिड्यूस करती है ये अंडर आई क्रीम। और साथ साथ में डार्क सर्कल अगर आपके हुए हुए हैं तो उन सब पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और अगर आपके अंडर आई बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आपके अंडर आई को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड कर देती है। तो आप क्विकली स्किन में ऑब्जर्व भी हो गया एंड अगर आपकी स्किन में अंडर आई पे रिंकल्स, फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम है ना, तो उन सबको भी ये अंडर आई क्रीम बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है। आपके आईज़ पे अगर पफिनेस है तो उसको भी रिड्यूस करने में मदद करती है और बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है, बहुत ही कामिंग इफेक्ट देती है। आपको ना इसको यूज़ करने के बाद एकदम फ्रेश सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब ठंडा ठंडा सा कुछ आपने लगाया है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा आपको। इसको ना मैं इवन मेकअप करने से पहले भी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये अच्छे से स्किन को ना हाइड्रेट कर देती है अंडर आई को। और ये वाला एरिया ना ड्राई होता है जिसकी वजह से जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसकी क्रीजेस पड़ जाती है। तो अगर आप इसको अप्लाई करोगे मेकअप करते टाइम पे तो आपकी जो अंडर आई है वो हाइड्रेटेड रहेगी, तो इसकी वजह से जो है कंसीलर भी ड्राई नहीं होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी अंडर आई पे टिका रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं तो इसको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में जरूर यूज करती हूँ और जब भी मेकअप करती हूँ उसके तभी भी मैं इसको यूज करती हूँ, मुझे इसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस अंडर आई रिपेयर क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लाइक इसमें जो फर्स्ट है स्नेल म्यूसिन, 96 स्नेल म्यूसिन है ना, वो क्या करता है जितने भी आपके आईज के अराउंड जितनी भी डेडिकेटेड स्किन होती है ना, नाजुक स्किन होती है, उसको क्या करता है अच्छे से रिपेयर करता है, स्मूथ कर देता है, हाइड्रेटेड कर देता है, जिससे कि आपकी जो ये वाली स्किन है ना बहुत ज्यादा यूथफुल लगती है, हाइड्रेटेड लगती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से वर्क करता है उस एरिया पे। सेकंड जो है इसमें गाइस वो है 1% पेप्टाइड, जो कि कोलेजन प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल जैसी प्रॉब्लम्स पर वर्क करता है, ठीक है। थर्ड जो है गाइस इसमें वो है कैफीन, तो कैफीन इसमें 2% है, जो कि आपकी आईज के नीचे जो ब्लड होता है उसको बिल्डअप करता है, जिससे कि आपकी जो डार्क सर्कल वाला एरिया होता है ना, एक तो वो रिपेयर होता है, सेकेंडली जितनी भी आपकी आईज के अराउंड जो भी स्वेलिंग होगी वो रिड्यूस होती है, स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड भी रखता है एंड कैफीन डार्क सर्कल
को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करने में मदद करता है। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें कमाल के हैं गाइस, इसलिए ये आपकी अंडरआई पर से डार्क सर्कल को रिड्यूस करती है, फाइन लाइंस को नहीं आने देती है, आपकी जो अंडरआई पे जितना भी स्वेलिंग होगा उसको नहीं आने देगी, पफिनेस को रिड्यूस करती है, आपकी स्किन में से फाइन लाइंस एंड रिंकल जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करती है। ये रेंज काफी ज्यादा अच्छी है गाइस ड्राई डिहाइड्रेट एंड डल स्किन पर। तो अगर आपकी भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेट है, डल हो गई है, तो आप इन प्रोडक्ट को जरूर यूज करना। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, आपकी आईज जो है सूजी सूजी सी रहती है, पफिनेस है आपकी आईज पे, तो आप इस अंडरआई रिपेयर क्रीम को जरूर यूज करना, बहुत ही ज्यादा मदद करती है ये इन सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। और जब भी आप गाइस इन प्रोडक्ट को यूज करो तो मेक श्योर करो कि पैच टेस्ट जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें। एंड डमको के इन प्रोडक्ट में ना किसी में भी कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है। अब मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले फेस वॉश की पैकेजिंग हम देखेंगे। आपको कुछ इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में ये फेस वॉश मिलता है, ठीक है, जिसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़ एंड क्वांटिटी आपको 80 ml में मिल रही है। सेकंड हम बात करेंगे ये स्नेल पेप्टाइज 96 हाइड्रेटिंग सीरम की। इसकी कार्ड बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, जिसमें आपको प्राइस देखने को मिलता है 749 रुपीज़ एंड क्वांटिटी 80 ml मिलती है, ठीक है। अंदर की पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की बोतल में मिलेगी, जहाँ पे आपको ये पंप बोतल में रिसीव होता है, जिससे आप इजिली अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। थर्ड जो प्रोडक्ट है हमारा गाइस, वो है ये ड्राई रिपेयर क्रीम। ये आपको कुछ इस टाइप के कार्ड बॉक्स पैकेजिंग में रिसीव होती है, एंड अंदर से आप देखोगे तो अंदर से आपको ये कुछ इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में रिसीव होती है, जहाँ पे इसका प्राइस है 399 रुपीज़, क्वांटिटी आपको 15 ग्राम मिलती है, ठीक है। तो फेस वॉश एंड अंड्राई क्रीम सल्फेट फ्री है, डाई फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है। एंड जो ये सीरम है गाइज, ये सल्फेट फ्री नहीं है, बाकी डाई फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड मिनरल ऑयल फ्री है। एंड ये तीनों ही प्रोडक्ट फ्रेगनेंस फ्री हैं। सो डमको के स्नेल पेप्टाइज 96 का जो ये रेंज है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर, और साथ साथ में इनकी साइट पर भी मिल जाएंगे। और जब भी आप इनकी साइट से परचेज करोगे ना, तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मेरा कोड है यहाँ पे hidden2024, इसको यूज़ करने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा डम्मा को की साइट पर, ठीक है। तो डेफिनेटली वहीं से परचेज करना। एंड एक चीज़ और अच्छी होगी, बिकॉज डम्मा कंपनी ने इस साल अपनी युवा वैज्ञानिक पहल में 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कामयाब बनाए हैं। हर साल जब भी आप उनसे खरीदारी करोगे तो वो आपके ऑर्डर को एक बच्चे से जोड़ देंगे, जिससे वो भूमि के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगे। सो इससे एक चीज़ और अच्छी होगी, बच्चों को भी मदद मिल जाएगी और आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। सो मेक श्योर करो कि इनकी साइट से परचेज करना। बाकी अगर आप नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से लेते हो तो वहां से तो आपको मिल ही जाएगा। सो यही था गाइज आज का वीडियो एंड आज का रिव्यू। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती जाए। और अब मिलती हूं गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बारिश होने वाली है, आप देख सकते हो आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। तो अब मिलती हूं गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। I love you so much guys, bye.